Hellcat. A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. Myself Vinay Pandey. Dear learners, आज का जो वीडियो है वो फिर से एक नया टॉपिक इस वीडियो में है. मैं एक शॉर्ट में आपको अपने मैथमेटिक मैथ्स अड्डा के जो करंटली हमारे वीडियो चल रहे हैं उनके बारे में बता दूं. हमारा जो सबसे छोटी क्लास 10th क्लास के पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, 12th क्लास के पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं. इसके अलावा हायर एजुकेशन में हम तीन पेपर करंटली पैरेलली चला रहे हैं. तीसरा पेपर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ. तीन पेपर्स क्या क्या हैं? एक है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा गामा फंक्शन अभी चल रहा है, इसके साथ साथ मैंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी टॉपिक पैरेलली हम चला रहे हैं. इसमें प्रोबेबिलिटी क्लास 12th और हायर एजुकेशन कम्बाइंडली इस पेपर में चल रहा है. और इसके साथ जो थर्ड पेपर आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस हायर एजुकेशन का एक ऐसा पेपर है जिसके बिना आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, छोटे से छोटा एग्ज़ाम जैम, यहाँ तक कि नेट का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम इस रियल एनालिसिस के बिना आप नहीं निकाल सकते. रियल एनालिसिस आप क्लास 11 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी. और इसके जो वीडियोस हैं, इसके जो लेक्चर्स हैं, वो पहले ही मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ. उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर ही वो वीडियोस काउंट होते हैं. और जो रियल एनालिसिस पेपर है, इस पेपर में जो मैं नया टॉपिक जो शुरू कर रहा हूँ वो है रीमन इंटीग्रेशन. रीमन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है. और बीएससी के एग्ज़ाम्स के साथ साथ आप एमएससी के किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, वहाँ भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है. और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता है. तो इसके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के वीडियोज़ पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ. बाकी ये पेपर्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑल्टरनेटिवली वीडियोज़ जो हैं अलग अलग टॉपिक के साथ साथ डलते रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, कन्फ्यूज़ आप ना हो, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम पे पैरेलली हमारे कौन कौन से वीडियोस चल रहे हैं. इंटीग्रल कैलकुलस हायर एजुकेशन का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटीज में चल रही है, रियल एनालिसिस में रीमन इंटीग्रेशन में शुरू करने जा रहा हूँ. बाकी एकेडमिक वीडियोज़ भी इसमें हम साथ साथ चला रहे हैं. तो आज का जो रियल एनालिसिस का रीमन इंटीग्रेशन में शुरू कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है. कुछ डेफिनेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल में आगे के नेक्स्ट वीडियोस में जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली लंबे भी होंगे. और आगे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, थ्योरम्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे. तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रीमन इंटीग्रेशन में, कुछ स्टार्टिंग की दो तीन डेफिनेशन हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. वो डेफिनेशंस आप देखिए क्या क्या डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं. पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल, आपको पता है दो मेनली दो टाइप के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल. ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स आते हैं ए और बी को छोड़ करके. और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए और बी के साथ साथ उसके बीच के सारे रियल नंबर्स तो आएंगे और ए और बी भी उसमें इंक्लूड होता है. ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है. पार्टीशन क्या होता है, अगर हमको कोई भी एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल हम ले लें 1 और 2 का एक क्लोज इंटरवल हमने लिया. और इस इंटरवल को हमने क्या किया, ये क्लोज इंटरवल हमने लिया हुआ था और इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया. जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से.
तो ये 1, 2 का जो क्लोज इंटरवल था, इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, जिसको हम सेगमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो ये अलग अलग पॉइंट्स बने हैं, ये पॉइंट्स आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। जो अगला पॉइंट है वो पहले पॉइंट से बढ़ता हुआ आपको मिलता रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स हैं। तो अगर इसी पूरे कलेक्शन को अगर आप सेट की फॉर्म में लिख दो, 1, 1.1, 1.2 से लेकर के 2 तक, तो ये इस क्लोज इंटरवल को 1, 2 का ये एक क्या कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा। तो किसी भी एक क्लोज इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करके उस सब इंटरवल का जो पूरा कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन। ये पार्टीशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसको अगर हम जनरलाइज करें, जनरलाइज में ये तो मैंने 1 और 2 का एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं ए और बी का क्लोज इंटरवल लूँ, इस क्लोज इंटरवल को हमने क्या किया, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। इसको हमने एक्स नॉट मान लिया पहले वाले पॉइंट को, फिर x1, x2 और ये xn। तो ये जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स बन रहे हैं, जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, इनका जो कलेक्शन होगा x0, x1 से लेकर के xn, इस पूरे कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का, ये क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। इस पार्टीशन के डेफिनेशन से आपको एक चीज़ ये पता लग रही होगी, अगर मैं वो 1, 2 का एग्जाम्पल दोबारा से लूँ, तो क्या किसी भी एक क्लोज इंटरवल का क्या सिर्फ एक ही पार्टीशन होगा या उससे ज़्यादा पार्टीशन भी हो सकता है? वो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर दो कोई भी रियल नंबर्स हम देखें, उन दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी। क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अगर हम किसी भी एक क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसका एक ही पार्टीशन बनेगा, उसके एक से ज़्यादा पार्टीशन हो सकते हैं। उसके मैं अगर सीधा सीधा कहूँ तो इनफाइनाइट पार्टीशन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 का मैंने जो क्लोज इंटरवल लिया था, मैंने पहला पार्टीशन ये लिया था 1.9, फिर ऐसे ही 2, एक पार्टीशन ये लिया, दूसरा पार्टीशन मैं लिख सकता हूँ 1.2 या 1.12, 1.13, इस तरीके से एक पार्टीशन। आप देखिए कि इस क्लोज इंटरवल के हम बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हैं। तो पार्टीशन क्या है मेनली, इफ़ आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ऑफ बी अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल, इफ एक्स नॉट स्मॉलर देन x1, स्मॉलर देन x2, ये सारे किसके बीच में, ए और बी के बीच में रियल नंबर्स हैं। तो इनका पूरा कलेक्शन जो बनेगा, इस पूरे कलेक्शन को ही आप क्या बोलेंगे, इस क्लोज इंटरवल का एक ये क्या होगा, पार्टीशन। तो आई होप पार्टीशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। इस पार्टीशन को ही दूसरा नाम है डिसेक्शन और नेट। ये दोनों नेम भी आपको याद रखने हैं, कि पार्टीशन के दो नाम और भी क्या होते हैं, इसको हम डिसेक्शन भी बोलते हैं और नेट भी बोलते हैं। तो किसी क्लोज इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करने को ही, उसके जो कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन बोलेंगे। तो ये पार्टीशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। इस डेफिनेशन को मैं अब हटा दे रहा हूँ। देखिए, एक क्लोज इंटरवल मैंने लिया ए कॉमा बी का। अब हमने क्या किया, इस क्लोज इंटरवल के पार्टीशन किए x1, x2 से लेकर के xn। आप देखिए, मैंने आपको जो पार्टीशन की डेफिनेशन बताई, उस डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि ये रियल नंबर्स किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक इंटरवल के बीच में या हर एक इंटरवल में जो ये सब इंटरवल बन रहे हैं, सबकी जो ये लेंथ है वो इक्वल ही होगी। कोई इंटरवल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये जितने भी सब इंटरवल बन रहे हैं, ये जितने सब इंटरवल बन रहे हैं बीच में, इन सब इंटरवल में जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म, या फिर इसको हम मैच भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है MESH, मैच भी इसको हम बोलते हैं। तो जो हमने किसी भी क्लोज इंटरवल का पार्टीशन किया था, उस पार्टीशन में जो सबसे बड़ी लेंथ जिस पार्टीशन की होगी, जितने सब इंटरवल हमारे बन रहे हैं, इसमें जितने सब इंटरवल हमने बनाए हैं, इन सब इंटरवल में जो सबसे बड़ी लेंथ का, यह सबसे बड़ी लेंथ वाला जो सब इंटरवल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी नॉर्म बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इस तरीके से, या म्यू पी। तो नॉर्म समझ में आ गया, द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स ऑफ अ पार्टीशन। कोई भी एक पार्टीशन में जितने सब इंटरवल बन रहे हैं, उन सब इंटरवल में जो सबसे बड़ा सब इंटरवल होगा, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं।
तो हमने पार्टीशन पढ़ा, नॉर्म पढ़ा, अगली डेफिनेशन देखते हैं हम, रिफाइनमेंट क्या होता है। देखिए रिफाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। फिर से 1,2 का क्लोज इंटरवल हमने लिया, एक इसका पार्टीशन मैंने लिया 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से लेकर के 2 तक का एक पार्टीशन ये लिया। एक पार्टीशन मैंने लिया P डैश या P स्टार 1, 1.1, 1.2, इंटरवल सिर्फ मैंने एक चेंज यहाँ पे किया 1.3 और 1.35 लिख लिया और फिर से 1.4। क्या ये दोनों पार्टीशन का काम कर रहे हैं? पार्टीशन की डेफिनेशन क्या बताइए, इस क्लोज इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करके ये जो पूरा कलेक्शन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, और इस पूरे कलेक्शन को ही हमने क्या बोला था, पार्टीशन। तो यहाँ पे पी इसका एक पार्टीशन है और पी स्टार या पी डैश भी इसका एक क्या है, पार्टीशन है। लेकिन इन दोनों पार्टीशन में आप देखिए रिलेशन क्या है, आप देखें तो पी के सारे एलिमेंट्स पी डैश में आ रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पी किसका सबसेट है, पी स्टार का या फिर पी डैश का। तो अगर ऐसा कोई ऐसे कोई दो पार्टीशन आपको मिल रहे हैं जिन दो पार्टीशन में एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन के अंदर कंटेंड है, तो जो बड़ा वाला पार्टीशन है उस बड़े वाले पार्टीशन को हम क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ स्मॉलर पार्टीशन। जो बड़ा वाला पार्टीशन है वो रिफाइनमेंट है किसका, पी का, और यह हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पी डैश इज फाइनर देन पी या पी स्टार इज फाइनर देन पी। आपको इस एग्जांपल से रिफाइनमेंट समझ में आ गया होगा। इफ पी एंड पी डैश और पी स्टार दोनों सिंबल है, इसके दोनों सिंबल्स आप याद रखिए, आर टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और पी पार्टीशन पी डैश में कंटेंड है, तो पी डैश को हम क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पी ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यहाँ पर इंटरवल क्या लिया था मैंने, 1,2, या हम ये भी बोल सकते हैं कि पी डैश इज फाइनर देन पी, पी स्टार इज फाइनर देन पी। तो ये रिफाइनमेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आगे के वीडियोस के लिए, पूरे चैप्टर के लिए ये तीनों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा नॉर्म, पार्टीशन देखा, रिफाइनमेंट देखा और नॉर्म देखा। इन तीनों डेफिनेशंस को आप ध्यान से देखिए, एग्जांपल ध्यान से देखिए, फिर आगे के वीडियोस में हम रीमन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोअर रीमन सम और अपर सम ये सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, अपर बाउंड लोअर बाउंड ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये रियल एनालिसिस का जो टॉपिक मैंने शुरू किया है रीमन इंटीग्रेशन, आज के वीडियो में इतना ही। इन वीडियोज़ के लिए जो अगला वीडियो है वो जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा।